हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वैसे मैं आज कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, जस्ट मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ और वो है ये कलौंजी यानी नाइजेला सीड्स। ये कलौंजी जो है ये बहुत ही जो है खाने में अच्छी है और इसमें हर एक बीमारी जो है उसका इलाज है, लेकिन इसको खाना जो है बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि किस तरह इसको वो इस्तेमाल करें। कलौंजी को हम कुकिंग करते हुए यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी जगह पर काफ़ी लोग इसे यूज़ करते भी होंगे, बट हर किसी को इसका टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगता और बच्चों को देना तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। सो अब बात यहाँ ये आती है कि इसे जो लोग नहीं इजीली खा पाते हैं और बच्चों को भी नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या चीज़ करें। हम अगर इसे आटे में यूज़ कर लें, आटे में मिक्स करके हम आटा गूंदें, तो उससे क्या होगा कि ये उसमें मिक्स हो जाएगी और हम दिन में कई बार इसको खा पाएंगे और पता भी नहीं चलेगा बच्चों को कि ये क्या खा रहे हैं। तो इस आप इसे एक बार मेरे वजह से ट्राई कर कर देखिएगा, क्योंकि हमने घर पे इसे इसी तरह ही इसे ट्राई किया है और ये हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी ये अच्छा लगे तो आप इसे एक बारी ज़रूर ट्राई कर लें। आई रियली होप कि आपको मेरा ये कलौंजी यानी नाइजेला सीड्स को यूज़ करने का वे अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।